ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के 150 नए वार्ड्स की हदबंदी पर मुख्तलिफ सियासी पार्टियां इसके खिलाफ हैं, क्योंकि नई हदबंदी से पार्टी को नुकसान होने का अंदाजा लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कमिश्नर बल्दिया से मुलाकात करते हुए इस नई हदबंदी के खिलाफ नुमाइंदगी की। इसमें जो डिविजन्स का जो निर्माण हुआ है, पहले सरकार ने कहा कि वो 200 निर्माण करने जा रहे हैं, लेकिन बाद में डिलिमिटेशन में 150 सिर्फ किए हैं, और जो पुराने जो डिविजन्स थे उसमें बदलाव कर दिया गया है, हेरा फेरी किया गया है। जहां पर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी और TDP को ज़्यादा मेजॉरिटी आया था, उन एरियाज को दूसरे एरिया से मिलाकर और हैदराबाद पार्लियामेंट में या सिकंदराबाद पार्लियामेंट में देखा जाए तो सिकंदराबाद पार्लियामेंट में 11 डिविजन्स कम कर दिए गए। यानी कि जो सरकार जो है जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी और तेलुगु देशम इन दोनों को हराने के लिए और इन दोनों को बल्दिया में जीतने के लिए जो चांसेस ज़्यादा है उसे कम करने के लिए इस तरह का राजनीतिक दबाव से, यानी कि MIM और TRS दोनों मिलकर यहाँ म्युनिसिपल कमिश्नर जिससे पहले थे उनके ऊपर दबाव डालकर राजनीतिक एक रवैये से इन डिलिमिटेशन कर 150 किया गया है। हालांकि हैदराबाद बल्दिया में 200 की ज़रूरत है। पहले हाईकोर्ट में बल्दिया के जो अधिकारी हैं उन्होंने 200 हम वार्ड्स बनाएंगे करके बताया गया है, लेकिन बाद में ऑल पार्टी मीटिंग बगैर बुलाते हुए उसे 200 से घटाकर 150 किया गया है। ये सिर्फ मजलिस पार्टी और TRS को बेनिफिट करने के लिए किया गया है, ऐसा हम सोचते हैं। और डिलिमिटेशन में भी कोई भी साइंटिफिक मेथड अडॉप्ट नहीं किया। आज हमने सवेरे गवर्नर से मिले, अभी कमिश्नर साहब से मिले, और हमने उनसे ये आग्रह किया है कि 150 से 200 बढ़ाया जाए और जो डिलिमिटेशन को फिर से एक पॉपुलेशन बेसिस पे इक्वल पॉपुलेशन आए जैसा उसे किया जाए, ऐसा हमने डिमांड किया है।